राजनांदगांव जिले में सुरगी क्षेत्र के किसानों की एकड़ों की फसल खरपतवार नाशक के दुष्प्रभाव के चलते बर्बाद हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस नेता जितेंद्र मुदलियार ने सोमवार को इस विषय को लेकर प्रभावित किसानों के साथ कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एनर्गो और आसम नाम के खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल बूची भरदा के किसानों ने अपने खेत में किया था। विक्रेता द्वारा बताई गई मात्रा में उपयोग किए जाने के बाद अब उनकी फसल दवाई के दुष्प्रभाव से जल गई है। फौरिया तौर पर ऐसे जो मामले सामने आए हैं उससे लगभग 10 एकड़ की फसल को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस नेता जितेंद्र मुदलियार ने कलेक्टर को बुची भरदा के प्रभावित किसान राहुल साहू, युवराज साहू, चंद्रहास मंडावी और चिनेश साहू की फसल के नमूने और तस्वीरें भी दिखाई। उसको डालना था अपने को, जैसे कि अपने को मिला था 4 एकड़ के डालने के लिए, है ना, तो 3 एकड़ का डालने को हम लोग उसको 4 एकड़ में डाले हैं। मात्रा हम लोग और कम किए हैं, डोज हम लोग और कम किए हैं। उसके बाद धान ना पूरा जल गया है, जल के पूरा राख हो गया है। परसों ही जैसे डाले हम लोग, अब तुरंत गए हम लोग देखने तो वो एक ही दिन में ना पूरा नष्ट हो गया धान, वो लगभग है 8-10 एकड़ में। और जी जी वहीं पर 2-4 किसान और है, उनका भी धान ना पूरा नष्ट हो गया दवाई से। शिकायत हम लोग कलेक्टर सर के पास आके किए हैं, तो कलेक्टर सर ने जल्द ही उसमें कार्रवाई होगा करके। मैं ग्राम बुची भरदा से बोल रहा हूँ, किसान हूँ मैं। 3 एकड़ के लिए दवाई मंगा था, उसको मैं 4 एकड़ में डाला हूँ, और जो डाला हूँ उससे मेरे फसल पूरा नष्ट हो गया, और दोबारा अगर उसको यूज करता हूँ तो कवर नहीं हो पाएगा। मैं जैसे यही प्रार्थना करके मैं शासन के पास आया था, कुछ मुआवजा मिल जाए। मेरे 3 एकड़ में गोया हूँ, पूरा नुकसान हो गया। दवाई है असल आसम, परसों बुची भरदा के कुछ लोग ग्रामीण मेरे पास मिलने आए थे, तो उनका ये बोलना था कि उन्होंने कोई फर्टिलाइजर जो है उन्होंने डाला है, और उसमें 10 किसान करीब थे। उन्होंने बताया कि उससे फसल का नुकसान हुआ है, तो इस संबंध में हम लोग DD एग्रीकल्चर को मैंने बताया है, वो जाँच कराया।